ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି। ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କିଛି ସମୟ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କଥା ହେବା ବେଳେ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ଆୟୁବ ନିଜ ଝିଅର ଡାକ୍ତର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ନିଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ପାଇଁ ଝିଅର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଥିଲା। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी? हाँ, है क्या साथ में? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है, क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? प्रॉब्लम को देखकर उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज, वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा आपने सपने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी। वैक्सीन ले लिया सपने? वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी, दोनों वैक्सीन लिया मैंने और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसी मनाई, रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ, सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाए। अच्छा देखिए, ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है।